बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमेर भट्ट एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है मेरे लिए बहुत स्पेशल व्लॉग है। वो इसलिए कि जहाँ मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ वो जनाब सियालकोट की पहली हाउसिंग सोसाइटी थी, जो कि 50 साल से भी ज़्यादा अर्सा गुजर चुका है इस हाउसिंग सोसाइटी को, और उसके साथ साथ मेरा जो बचपन है इन्हीं इलाके में और इन्हीं सड़कों पर गुजरा है। तो आज हम बचपन की यादें भी ताज़ा करेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ जी मॉडल टाउन की। इसको बागों का मोहल्ला भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा पार्क है इस मोहल्ले में, तो आपने पूरा ब्लॉग देखना है। तो आइए बिला तखीर अब चलते हैं। व्यूअर्स, इस टाइम मैं हकीम हातमी रोड से मॉडल टाउन की तरफ एंटर होने लगा हूँ। आजकल जो मेन एंट्रेंस है मॉडल टाउन की वो यहीं से जनाब एंटर होते हैं। ये जी हम एंटर हो चुके हैं मॉडल टाउन, और जैसे ही आप एंटर होंगे देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे घर हैं और रोड बहुत खुली है। ये मॉडल टाउन की और ये सियालकोट की पहली हाउसिंग सोसाइटी है। सबसे पहले मैं आपको जनाब यहाँ जो बड़ा ही तरीकी जगह है ये देखिए, ये मोर्चे बने हुए हैं जो कि सन 1971 की जंग में भी इस्तेमाल हुए थे। आज भी ये देखें मौजूद है यहाँ पे। ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं सबसे पहले स्टार्ट ही ब्लॉग का यहीं से किया है ताकि लोगों को पता लग सके। देखें कितने मोहल्ले के अंदर भी जनाब ये मॉडल टाउन के अंदर ये मोर्चे आज भी कायम है, और बहुत पुराने ये दरख्त है जो आप देख रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ जी। ये देखिए एक दो और तीन, तीन मोर्चे हैं बेसिकली ये, जो कि इस्तेमाल हुए थे जंग के दौरान, और आज भी ये उसी तरह के उसी तरह जनाब कायम है। तो अभी मैं आपको पूरा विज़िट करवाऊंगा मॉडल टाउन का। तो इस टाइम मैं हूँ शाह फैसल रोड के ऊपर, और इसी रोड के ऊपर जनाब दो पार्क भी हैं, जेंट्स पार्क और लेडीज़ पार्क, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और मॉडल टाउन को बागों का मोहल्ला भी कहा जाता है इसी वजह से कि बहुत ज़्यादा पार्क हैं इस मॉडल टाउन सोसाइटी में। बेसिकली ये सोसाइटी है और सबसे पहले सियालकोट की सबसे पहली सोसाइटी है जी ये। और ये सामने जनाब स्कूल है, प्राइवेट स्कूल क्लासिक स्कूल, और ये जो रेड बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये बहुत ही पुराना स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। और ये पार्क देख सकते हैं आप राइट साइड पे सारा, और उसके सामने जनाब ये स्कूल है, ये बोर्ड भी आप पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी हाई स्कूल। बहुत ही अच्छा स्कूल है जी, इर्द गिर्द के जितने इलाके के जो बच्ची हैं इसी स्कूल में आके पढ़ती हैं। और अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ जनाब जो पुलिस स्टेशन है मॉडल टाउन का, और उसके साथ साथ ये वाटर टैंक भी आपको दिखाता हूँ अभी आगे जाके। ये देखिए ये बहुत पुराना वाटर टैंक है जो कि पानी सप्लाई करता है, और सामने ये पुलिस स्टेशन है, और बैडमिंटन के लिए भी ये ग्राउंड बनी हुई है। तो अभी आपको लेके जा रहा हूँ जी जो इस मोहल्ले में और इस मॉडल टाउन सोसाइटी में सबसे पहली जो मस्जिद थी, मस्जिद बैतुल मुकर्रम। एक ही मस्जिद होती थी, जामिया मस्जिद, ये आप देख सकते हैं ये सामने, और ये भी पार्क के बिल्कुल सामने ही है। ये देखिए सारा काफ़ी बड़ा पार्क है, जेंट्स पार्क, और ये बैतुल मुकर्रम रोड भी कहलाती है। ये जो रोड है अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये वाली, और मस्जिद बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये जी, मस्जिद बैतुल मुकर्रम, और पुरानी मस्जिद है, यानी सबसे पहले जब ये सोसाइटी बनी थी तो ये मस्जिद बनी थी यहाँ पे, एक ही मस्जिद थी जामिया मस्जिद। तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ जनाब लेडीज़ पार्क की तरफ। आपने जेंट्स पार्क देख लिया, तो ये डीटा हॉकी वाले बड़े मशहूर हैं, ये जो उनकी फैक्ट्री गुजरी है। तो ये सामने जनाब ये देखिए ये सारा जिधर मैंने आपको मोर्चे दिखाए थे ये उसी का ये एरिया ये सारा। और आजकल यहाँ पे जनाब यूनियन काउंसिल का ऑफिस है, और उसके ऑफिस के साथ ही ये जनाब लेडीज़ पार्क है। एक इधर से एंट्रेंस है, एक दूसरी रोड से एंट्रेंस है इसकी, और बड़ा प्यारा माशाल्लाह ये पार्क बना हुआ है, यानी यहाँ आके लेडीज़ वॉक भी करती हैं और बच्चे खेलते भी हैं आके यहाँ। और बड़ा प्यारा माशाल्लाह देखें सरसब्ज और दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, और बड़े अच्छे यानी मकान बने हुए हैं। तो अभी एक चीज़ मैं और दिखाऊंगा यहाँ जो कि बहुत पुरानी है, ये देख सकते हैं ये क्वार्टर्स थे, यानी ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के जनाब जो स्टाफ है उसको क्वार्टर दिए गए थे इस कॉलोनी में। आज भी माशाल्लाह यहाँ लोग रहते हैं उनका जो स्टाफ है। तो यहाँ से हम टर्न लेने लगे हैं जी अब मार्केट रोड पर, क्योंकि मार्केट रोड भी दिखाना बहुत ज़रूरी था। लें जनाब हम आ चुके हैं जी मार्केट रोड के ऊपर, क्योंकि मॉडल टाउन सोसाइटी में एक ही रोड है जो जहाँ कमर्शियल एरिया उन्होंने दिया हुआ है, ताकि लोग अगर शॉपिंग करनी है ग्रॉसरी करनी है तो वो इसी रोड पे आके करेंगे, और किसी रोड के ऊपर आप शॉप ओपन नहीं कर सकते, ये सोसाइटी का रूल था। तो आप देख सकते हैं मीट शॉप पे भी है यहाँ पे, और किराना स्टोर भी काफ़ी ज़्यादा है। और हमारा बचपन कह रहे हैं मोस्टली हम यहीं आके यानी गेम वीडियो गेम्स भी खेलते थे इसी रोड पर। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं जनाब औरंगज़ेब रोड के ऊपर, और रोड्स आप देख सकते हैं कि पूरी रोड जो है टफ टाइल लगी हुई है, जितनी भी रोड्स आपको नज़र आ रही हैं
और सफाई का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है सोसाइटी की तरफ से। और अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी, तीसरा जो पार्क है इस यानी मॉडल टाउन में, कैप्टन सरोज शहीद पार्क, ये बेसिकली ग्राउंड है। यहाँ भी लोग आके वॉक करते हैं सुबह के टाइम, ट्रैक बना हुआ है और यहाँ मैचेस भी हुए थे, टूर्नामेंट हुआ था जिसका मैंने व्लॉग भी किया था। सेमीफाइनल में जनाब बारिश हो गई जिस वजह से वो जो टूर्नामेंट है वो अभी तक नहीं दोबारा स्टार्ट हो सका। ये जी मेन एंट्रेंस है कैप्टन सरोज शहीद पार्क की, और कैप्टन सरोज शहीद जो है इन्होंने सियाचिन के मुकाम पे जाम शहादत नोश किया था, बहुत ही यंग एज थी इनकी, हमारे हमसाए भी थे, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। तो अब यहाँ से मैं आपको लेके जा रहा हूँ जनाब मरातिया रोड की तरफ, और यहाँ सब्सक्राइबर मिल गए हैं। नहीं जी, सब्सक्राइबर से भी मिल लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे बड़े शौक़ से देखते हैं व्लॉग। और ये मैं बात कर रहा था जी मरादिया रोड की, ये मरादिया रोड आ चुकी है और यहाँ सबसे पुराना जनाब ऑफिस है एक जमात इस्लामी का, वो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको शेयर करूँ। ये जनाब बहुत पुराना ऑफिस है, जब ये मॉडल टाउन बना था तब का जनाब ये जमात इस्लामी का ऑफिस है। और मरादिया रोड पर मैं इसलिए आपको लेके आया हूँ, एक तो जनाब इधर स्कूल्स हैं काफ़ी इस रोड के ऊपर, और जो चीमा फैक्ट्री थी लेदर फील्ड, उनका घर और उनका जो फैक्ट्री थी वो भी मैं आपको गली दिखाता हूँ। बड़ा काम होता है जी उधर लेदर फील्ड, अब तो ख़त्म हो चुकी है, वहाँ से ये स्कूल गुजरा है होम लाइक, बड़ा अच्छा स्कूल है और काफ़ी स्कूल है इस रोड के ऊपर जनाब। और ये जो आप सामने घर देख रहे हैं जी, ये लेदर फील्ड वालों का भाई घर है, और इसके बैक साइड पर जनाब बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। तो काफ़ी जो ओनर थे फैक्ट्रीज़ के, जैसे कि हिलब्रो, लाफ्टी स्पोर्ट्स, तब तमाम के तमाम लोग यहीं मॉडल टाउन में जनाब रहाइश पज़ीर होते थे, अब तो शिफ्ट हो चुके हैं। और ये मस्जिद आपको दिखा रहा हूँ जी, मदीना मस्जिद, बहुत ही अच्छी खूबसूरत मस्जिद है ये। तो यहाँ से अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी जिस जगह पे मेरा बचपन गुजरा है, और जिस यानी जो हमारे हमसाए थे अब वो देखते हैं, को बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। तो ये अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ जी मीर हसन रोड के ऊपर, ये आप कुछ ही देर में हम जनाब यहाँ से टर्न लेंगे लेफ्ट साइड पर, तो ये पूरा मीर हसन रोड आ जाएगा ये वाला जी, ये देख सकते हैं आप, या इसी यानी रोड के ऊपर क्रिकेट भी हम खेलते थे और ये हमारे हमसाए होते थे, ये देख सकते हैं आप राइट और लेफ्ट। तो ये जिधर हम क्रिकेट खेलते थे, आपको मैं अपनी ग्राउंड भी दिखाते हैं बचपन की, ये खंभा आप देख रहे हैं, इस पर हम जनाब ये विकेट समझने होती थी और यहाँ हम क्रिकेट खेलते थे, इधर से बॉलिंग करते थे और ये जनाब हम यहाँ बैटिंग करते थे। तो बड़ा ये नहीं, अब देख के तो पुरानी जो बचपन की यादें हैं वो ताज़ा हो गई हैं। ये हमारा घर होता था जो अभी यहाँ प्लाट बन चुका है। तो ये मीर हसन रोड पे जनाब हम पूरी यानी कहले बचपन गुजारा है, और यहाँ से हम जनाब आपको मैं अभी मरादिया रोड भी दिखाता हूँ, जो कि हमारे नेबर भी थे और उसके साथ साथ हमारे जो रिलेटिव्स थे उनके घर भी यहीं पर थे। ये ख्वाजा सफदर साहब का घर है, ये देखें ये वाला, तो यानी कभी उस घर में कभी इस घर में जनाब पूरा बचपन हमारा गुजरा है, ये साथ साथ ही हमारे दोनों घर होते थे, ये देखें काफ़ी बड़ा घर है। और मरादिया रोड पे मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ जी, चेरी फर्नीचर वाले बड़े मशहूर, बड़ा अच्छा फर्नीचर बनाते हैं, उनका ये भाई घर ये वाला है। मैंने आपको बताया ना कि जितने भी इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज़ के जो मालिक थे ओनर थे वो मॉडल टाउन में ही पहले रहाइश पज़ीर थे। तो ये मरादिया रोड आपने देख लिया है, तो यहाँ से अब मैं आपको अपनी जो मस्जिद जहाँ नमाज़ वगैरह हम पढ़ते थे, तब तो बहुत छोटी मस्जिद होती थी, जामिया मस्जिद अहले हदीस, कारी शफीकुर रहमान साहब इनके इमाम हैं जी, बहुत खूबसूरत मस्जिद बन चुकी है, इस पर मैंने व्लॉग भी किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जनाब इस टाइम हम जो रोड है ये अली उल हक रोड पे आ चुके हैं, फ़िल्टर भी लगा हुआ है यहाँ पर ठंडे पानी का, जहाँ आप यहाँ से पानी ले कर जा सकते हैं, सब्ज़ी फ्रोश भी आपको मिलेंगे यहाँ पर। और ये अली उल हक रोड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज मैंने आपको पूरा मॉडल टाउन दिखाया है, हर रोड दिखाई है माशाल्लाह। तो ये जनाब यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं तो फिर हकीम आज़म अली रोड पे आप आ जाएंगे। तो अब यहाँ से वापस घर चलते हैं जी। और उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको बहुत पसंद आया होगा। आज के व्लॉग में मैंने आपको मोहल्ला मॉडल टाउन दिखाया है, जो कि सियालकोट की पहली हाउसिंग सोसाइटी है, आज भी माशाल्लाह कायम दायम है। और आज के व्लॉग में मेरा बचपन की जो यादें हैं वो भी ताज़ा हो गई हैं, इन्हीं रोडों पे मैं खेलता था और इन्हीं रोडों पे हम जाके पढ़ते थे। तो बहुत मज़ा आया आज का व्लॉग करने में मुझे, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ज़रूर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब करना है और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं
वो आप तक पहुंच सके। इस दुआ के साथ कि खुश रहे, आबाद रहे। एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।